नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, तो आशा करता हूँ बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग न्यू व्यूअर है इस चैनल का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, इस चैनल पर और बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियोज़ भी है जो फिश फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप अगर चाहते हैं और अधिक जानकारी पाने के लिए, तो वो सारा वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम लोग IMC के पालन करते हैं, तब हम लोग रेहू, मिर्की, कतला, ग्रासका, बिगेट, इस तरह का बहुत सारा मछली अपना फिश पॉन्ड में छोड़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें सबसे बेस्ट जो रहता है वो है मिरिक मछलियाँ। तो दोस्तों, जब भी आप लोग हार्वेस्टिंग करके अपना मछलियाँ मार्केट में सेल करते होंगे, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में आया होगा, आप लोग शायद देखे भी होंगे इस चीज़ को, जब भी आप लोग नेटिंग करते हैं सारा मछलियाँ उड़ जाती है, लेकिन मिरिक मछली जो है बहुत ही कम संख्या में अपना नेटिंग में आती है। और धीरे धीरे मछलियाँ ख़त्म होने के बाद हमें लगता है अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ ख़त्म हो चुकी है, तो आगे जाके हमें और ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिलेगी। तो फिर जब फिश पॉन्ड को हम लोग सुखाते हैं या पानी कमाते हैं, घटाने के बाद जब हम लोग मछली को पकड़ने लगते हैं, तब आप लोग देखे होंगे मिरिक मछली जो हमें मिलना स्टार्ट होता है, तो किसान भाइयों को तब अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो सोच के रखे थे अपना फिश पॉन्ड में मछलियाँ ख़त्म हो चुका है, जितना सेलिंग हो गया बस उतना ही है, और आगे जाके कुछ अर्निंग भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। तब जब मिरिक मछली हमें धीरे धीरे मिलने लगता है, तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि उस टाइम ये मिरिक मछलियाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। जहाँ पर मैंने सोच के रखा मेरा फिश पॉन्ड में कुछ नहीं है, आगे जाके एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है, सब मछलियाँ सेल भी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तब जब मिरिक मछली हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है, तो खुशी तो होगी ना दोस्त। तो इसीलिए मैं हमेशा मिरिक मछली को बहुत ही अच्छा मानता हूँ फिश फार्मिंग के लिए। तो दोस्तों, जब भी आप लोग फिश फार्मिंग करें, मछली पालन करें, IMC छोड़े, कुछ भी छोड़े, तो उसमें ज़्यादातर मामलों में आप लोग ध्यान रखना, मिरिक मछली का संख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मछलियाँ बॉटम में रहती है, तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है, ये एमोनिया बनने से बहुत ज़्यादा रोक देता है अपना फिश पॉन्ड को। जब भी आप लोग खाना देते हैं, ये फिश पॉन्ड का तली का खाना खाती है, जिससे अपना फिश पॉन्ड में मछली का खाना ख़राब होने से बचता है, और ख़राब होने के बाद तो आप लोग जानते हैं उसमें एमोनिया बनता है, जिससे गैसेस बनने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, और अपना मछलियाँ मरने का भी खतरा रहता है। तो ये मिरिक मछलियाँ तली में जितना खाना ये ज़्यादा मात्रा में खाती है, तो गैसेस बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग मिरिक मछली का संख्या थोड़ा बढ़ा के अपना फिश पॉन्ड में छोड़ेंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और साथ साथ जो हार्वेस्टिंग के बाद मछली आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें प्रॉफिट भी आप लोग थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा फिश फीड का ज़रूरत होगा, अगर ज़्यादा संख्या में आप लोग मछलियाँ रखते हैं अपना फिश पॉन्ड में मिरिक मछलियाँ, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फिश फीड आप लोगों को देना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए फिश पॉन्ड सुखाने के बाद किस तरह से हमें छोटी से गड्ढा में मछलियाँ का भरमार देखने को मिलता है। कहीं भी गड्ढा में जाए और हाथ लगाने के बाद 20-30 मछलियाँ बड़ी बड़ी साइज़ के उठने लगता है। तो जहाँ पे हम लोग सोच के रखे थे मेरे फिश पॉन्ड में मछलियाँ नहीं है, लगभग ख़त्म हो चुका है, तो जहाँ थोड़ा सा पानी रहता है वहाँ हाथ लगाओ, तो वहीं से मछलियाँ निकलना स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ से किस तरह से मछलियाँ निकलती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती है। तो आप लोग देखिए वीडियो को और मज़े लीजिए।
दोस्तों ये मछली पकड़ने का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि मैंने बताया था मेरा तबीयत खराब होने के कारण मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ। फिलहाल ठंड के मौसम आ रहा है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मछली के शरीर में लाल लाल घाव बन जाना, फिर मछलियाँ मरना, इस तरह का प्रॉब्लम हर एक किसान भाई को झेलना पड़ता है। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव होगा आप लोगों के लिए, और उसका ट्रीटमेंट और एडवांस ट्रीटमेंट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग अपना फिश को सेव रख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, थोड़ा वेट करिए। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ।